एशिया कप साल 2023 को लेकर बीसीसीआई ने अपनी टीम यानी कि भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 17 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा के हाथों टीम इंडिया की कप्तानी होगी। इसके साथ ही इस टीम में विकेटकीपर केएल राहुल और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। बता दें कि भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को खेलेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा टीम इंडिया 4 सितंबर को अपना दूसरा मुकाबला नेपाल के खिलाफ खेलने वाली है। वहीं आपको ये बता दें कि बीसीसीआई ने अपनी टीम का ऐलान करते हुए ये जानकारी दी कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के साथ टीम इंडिया में कुल 17 सदस्य एशिया कप खेलने के लिए रवाना होंगे। टीम इंडिया की ओर नज़र डालें तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप खेलने के लिए तैयार है। रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ईशान किशन, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा टीम में शामिल हैं। आपको बता दें कि बैकअप विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है। एशिया कप में कुल 13 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 4 मुकाबले पाकिस्तान में और बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। भारतीय टीम अपना अगर सफर सेमीफाइनल फाइनल तक तय करती है तो टीम इंडिया कुल 6 मुकाबले खेलेगी। एशिया कप इस साल वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा और भारतीय टीम इस मुकाबले को खेलने के लिए तैयार है। बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप में सबसे ज्यादा बार जीतने में कामयाब रही है। टीम इंडिया ने अब तक कुल 7 बार एशिया कप को अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने साल 1984, 1988, 1990, 91, 1995, साल 2010, 2016 और 2018 में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। अब टीम इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। टीम इंडिया की एक बार फिर से आपको जानकारी दें तो रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ईशान किशन, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और बैकअप विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन शामिल हैं। इस टीम को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।